वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज। तमिलनाडु के कुन्नूर बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी माधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले बचे हैं, वो पूरी तरह झुलस गए हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। इस घटना से देश भर में शोक की लहर है। CDS समेत जवानों को जानने वाले लोग बेहद यहाँ पर स्तंभ है और उन्हें याद कर रहे हैं। इस दुखद घटना में राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले कुलदीप सिंह राव भी शहीद हो गए। वो सेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। उनके घर में 2 दिन से गमगीन माहौल है। रिश्तेदार, परिजन और पहचान वालों की भीड़ लगी है। कुलदीप की मां कमला देवी की भी आंखें नम है, लेकिन उनकी आंखों में बेटे के लिए गर्व है। उन्होंने वंदे मातरम के जोर जोर से नारे लगाए और कहा, मेरा बेटा शहीद हो गया। यही मेरे बेटे की कमाई है। मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। अब बहू को भी सेना में भेजूंगी। यही मेरा अगला मिशन है। आपको बता दें, शहीद कुलदीप चचेरे भाई राजेंद्र राव भी नेवी में काम करते हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं। राजेंद्र कहते हैं कि कुलदीप बचपन से ही पायलट बनना चाहता था। खिलौना का हवाई जहाज हाथ में लेकर घूमता था। कहता था कि मैं एक दिन पायलट जरूर बनूंगा। राजेंद्र ने बताया है कि 7 महीने पहले कुलदीप के परिवार में चाचा की लड़की की शादी में अपने गांव खुद आए थे, अपने स्कूल भी गए थे। वहां बच्चों से मिलकर उन्हें सेना में जाने के लिए प्रेरित किया था। इस समय कुलदीप का परिवार जयपुर में रहता है। घटना की सूचना मिलने पर सभी लोग झुंझुनू आ गए थे। परिवार के दूसरे सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हुए। गाँव के पूर्व सरपंच हरपाल सिंह ने बताया है कि कुलदीप पर पूरे गांव को गर्व है। हमारा पूरा गांव उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी में लगा है। गांव के लाडले को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरा गांव इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ है। शहीद के परिवार के साथ पूरा देश भी है। हम और आप सभी उनके साथ आखिरी तक खड़े रहेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।